हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा नौकरानी लक्ष्मी घर पर आती है और लापरवाही से काम करती है। चीकू नौकरानी की शिकायत लेकर ज्ञानेश्वर के पास जाता है तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, तू उसकी हर हरकत पे कड़ी नजर रख। दर्शना कपड़े पर लगे दाग को देखकर हंगामा खड़ा करती है, पर सोना कुशलता पूर्वक दाग निकाल कर एक हाउस वाइफ होने का प्रमाण देती है। पर सुनैना कहती है, हम तुम्हारी ये काबिलियत देखने को बेचैन नहीं है। सोना चीकू, जूली और डिम्पल को पढ़ाने की कोशिश करती है। जूली पढ़ने के दौरान किसी लड़के से मोबाइल पर बात करने चली जाती है। सोना के पूछने पर झूठ बोलती है। सोना सोच में पड़ जाती है। अब देखिए आगे। हाँ भाई अविनाश, बोलो। अच्छा सुन, मुझे ये बता जल्दी, भाभी जी को क्या पसंद है? क्यों? अब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, छोड़ो ये। लगता है तुम वर्दी पहन के ही पैदा हुए थे। भैया थोड़ा सा तो हक बनता ही है ना भाभी जी को कोई गिफ्ट देने के लिए। पता भी तो उन्हें क्या पसंद है। हाँ यार, तुम भी क्या फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़े हो। सच बताएं तो हमें ही नहीं पता उनकी पसंद क्या है, तुम्हें क्या बताएं। एक काम कर, एक छोटी सी गैस कर ले और अब बता भी दे उनकी पसंद। दिमाग पर जोर डालें, गैस 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 गैस, क्या गैस करें यार। देखो, एक वाइफ को, एक पत्नी को क्या पसंद आ सकता है। मतलब सुहागरात के टाइम पे पूछा था हमने तो गहने नहीं पसंद, मेकअप नहीं पसंद, फिर और क्या होगा यार, अबे हमें नहीं पता। अच्छा छोड़ छोड़, प्रेस रिपोर्टर के पति देव, अब भाभी जी के लिए क्या लेना है वो मैं ही देख लूंगा। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। भाभी जी तुम्हें पुलिस स्टेशन में भी भूखा नहीं छोड़ती, चांदी है तुम्हारी। अबे पगले, चांदी नहीं है, सोना है। कल तुम आ रहे हो ना, हमें आ जाना विदाउट फेल, भाभी को बोल दिए हम। श्योर यार, डन डन डन। ओके बाय। मालकिन, अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? भीम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। मालकिन कहाँ है? ये टाइम है तेरे आने का? मालकिन, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। 4 दिन काम नहीं किया और एडवांस चाहिए? वो जो तूने इतना बड़ा एक्सेल अग्रीमेंट बनाया था उसमें तो कोई एडवांस की बात नहीं थी, थी क्या? उसकी तरफ क्या देख रही हो? यहाँ पहले ही 45,000 का फटका पड़ रहा है, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। महीना पूरा हो जाए तब मिलेगा पैसा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, जो काम अधूरा छोड़ गई थी वो करो पहले। मम्मी जी, काम तो खत्म हो गया है। मालकिन, आप हमें एडवांस दे या ना दे, पर इस मेयर रोड में ना लक्ष्मी को एडवांस देने वालों की कमी नहीं है। गुड नाइट, बाय। For each other, right? Come down. आओ नहीं अनु, जाओ, जाओ यहाँ से। अरे जो कोई देख लेगा, go. आज मेरा birthday है, at least wish me. आज के दिन तो ऐसा मत करो. Okay, I'm sorry. अनुज, many many happy returns of the day. Happy birthday to you. मैं तुम्हारा birthday किसी और दिन celebrate करूँगी, but अभी जाओ, go. ओह, ये लड़के को ना लगता है God ने अकल ही नहीं दी है। सुबह से क्या कर रहा था? शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। जूली, अगर तेरे को किसी ने देख लिया ना तो तेरे नाम के आगे बहुत जरूर लग जाएगा। अनुज, गुड नाइट, बाय बाय बाय। जूली, चतुर्वेदी फैमिली, अब इतने प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूं तो नीचे आकर लोगी नहीं? ओ अनुज,
एक ना एक दिन ना तुम मुझे जरूर मरवाओगे। अब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं आ रही हूँ। अनुज, many happy returns of the day. तुम जियो हजारों साल और तुम्हारे लिए तो मैं कुतुब मीनार से भी कूद जाऊं, तो ये बालकनी क्या चीज है? वैसे अनुज, इसमें क्या है? ये घड़ी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हें पता रहे कि हर घड़ी हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमें एक पल के लिए भी ना भूल पाओ। अनुज, पता है अगर तुम्हें हमें घड़ी ना भी देते ना तो भी घड़ी घड़ी हम तुम्हारे साथ ही है। अब मेरे दिल की धड़कन को एक साथी मिल जाएगा और अब से तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा दिल। वैसे भी मेरा दिल मेरा कहाँ रहा? थैंक यू अनुज, पर अब हर आने वाले को तो जाना ही पड़ता है, तो अनुज मुझे भी जाना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू जूली। ओके, बाय। अबे तुम काम को कोनो चोर उचक्का समझते हो कबे? कहा हाथ मारा? अबे ये हमारी खरी कमाई है वे कचेरी से। ये हरे हरे नोट वो भी बिना काले कोट के। हमें तुम्हारी कमाई अब हरी हो या काली हो या सफेद हो या नीली हो कौनो फर्क नहीं पड़ने वाला। वो नई काम वाली आई है ना, वो ऐसे एन खाने के मौके पे छुट्टी मारेगी कि इसका छुट्टा भी नहीं बचेगा। होटल से खाना मंगा मंगा के तुम्हारी जेब फटके झोला ना बन गई तो कहना। अबे हमारी जेब फटके झोला काहे बनेगी बे? हम इस घर के दामाद है और दामाद को पैसे दिए जाते हैं, दामाद से पैसे लिए नहीं जाते। हमें सीधे सीधे तो कोई कुछ ना बोलेगा, लेकिन अगर उल्टे उल्टे में मम्मी जी बोलेंगी तो लाज लिहाज की खातिर करना पड़ेगा ना। मैं कहा है कि दामाद को दामाद बन के रहना चाहिए, दाद बन के नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि कुछ करते क्यों नहीं। ये बात है कि यह घर में सोना बहू के रहने से हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मैं कैसे बे? वो ऐसे कि इन ससुरी नई काम वाली ने तो बोल बाल के सब सत्यानाश कर दिया। मैं टेंशन ये है कि हमारी बहू सोना अगर यही घर में कुंडली मार के बैठ जाए तो फिर हमें कमीशन लेने में कोनो जगह नहीं बचेगी। मैं हां दर्शना दर्शना अब कुछ भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ससुरी सोना को सबसे पहले काम पे लगा दो। मैं हमरा तो चौतरफा नुकसान हो जाएगा। अब यही रह के खर्चा करना पड़े तो हमरा गांव कौन सा बुरा है? मैं झूठ कहूँ तो बोलो, हमको तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा जब सोना बहू मम्मी जी के माथे पे मोटे मोटे अक्षरों में ये सवाल चिपका ही देगी कि बेटी और दामाद हियां क्या कर रहे हैं, और उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के हमारे सुख चैन आराम शांति सब पे ब्रेक लगा देगी। अरे आ गए आप, इतनी देर हो गई आज।
सोना जी बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खिला दीजिए। लोग सो गए? मुंह खोल यार। हमारा मन नहीं है। क्यों? हम बाद में खा लेंगे, आप खाइए ना। एक बात पूछें? दो बात पूछें? आपने कभी सोचा है इस घर में कोई देखना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता कि कौन कहाँ जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, क्यों जा रहा है? ऐसी बात क्यों कर रही? हम जूली की बात कर रहे हैं, इस घर में वो बस अपनी मनमर्जी। सोना मेरी, सोना जी देखिए क्या है, आप कहाँ का स्ट्रेस ले रही हैं, इसको एक अलग सा केस बना रही। अपनी जूली जो है चतुर्वेदी खानदान की बेटी है, इस मिर्ची की तरह तेज है, तर्रार है। इतनी दोस्ती में तो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ तो सीक्रेट्स शेयर करते ही है। मेरी पर्सनल लाइफ में दो चीज बहुत मायने रखती हैं, पहला काम और दूसरा भी काम। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हो सकती थी पर कोई नहीं। जान सकती हूँ क्यों नहीं हुई? वक्त ही नहीं मिला। आपने जो हमें बुक्स मेल की थी वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। उसकी चिंता करना, टेंशन करना सब बेकार है। आप ये क्यों भूल रहे हैं, हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाएं, खुले विचार वाले हो जाएं, पर दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया तो बस बहकाने के लिए। आप जूली को समझी नहीं। जूली जो है बड़े बड़ों को मजा चखा दे, समझिए आप बात को। अगर वो अपनी जिंदगी को खुले तौर पर जीना चाहती है, आजादी के साथ जीना चाहती है, तो जीने दे। आजाद होकर जीना का मतलब ये नहीं ना कि किसी भी रास्ते चल पड़े। अरे तो मनमोहन पाक का रास्ता थोड़ी पकड़ ली। हम मजाक नहीं कर रहे, महसूस कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। किसी को तो जूली पर नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा तो आप ये बताइए कि हमसे क्या चाहती हैं आप? करेंगे? बगू करेंगे? रोज जूली को कॉलेज छोड़ने जाएंगे? छोड़ देंगे। चलिए मुंह खोलिए आ कीजिए। मम्मी जी, हम जानते हैं कि आप कामवाली की वजह से आज परेशान है ना, पर आप तो जानती है ना कि हम सुबह के झाड़ू से लेके रात को बंधन भार सजाने तक, सुबह की पहली पहली चाय से लेकर आपके पांव दबाने तक। मम्मी जी, हमने तो पहले भी घर संभाला है और अब भी संभाल सकते हैं। हम आपको शिकायत का कभी भी मौका नहीं देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम और सोना सब संभाल लेंगे मम्मी जी। आप कहें तो हम कामवाली को कह दें कि कल से आने की जरूरत नहीं है। बहुत सयानी हो गई हो, हनुमान चालीसा फिर से पढ़ना 101 बार। अब हो गया ये पाव, दूसरा पकड़ो। अरे मम्मी, आपके दोनों पाव बहुओं के हाथ में नहीं होने चाहिए। अभी बेटी का भी तो कोई हक बनता है। नीलम भाभी तुम जाओ, आज हम अपनी मम्मी के पाँव दबाएंगे। जाओ जाओ। अरे कन्हैया, तुम्हारी कामवाली ने तो पूरे घर की दशा ही खराब कर दी। सबको घर में पता है कि कितना नुकसान हो रहा है, ऊपर से जब मन करता है तब आती है, जब मन करता है नहीं आती है। अब तुम ही बताओ, ऐसे कोई काम होता है क्या? कन्हैया, तुम तो मम्मी जी के दुलारे हो ना, तुम कहो ना मम्मी जी से कि उसकी छुट्टी कर दे। भाभी आप समझी नहीं, देखिए क्या है, अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए कामवाली को आए, अभी धीरे धीरे आके वो काम करेगी,
धीरे धीरे घर वालों के सुर के साथ वो अपना सुर भी मिला लेगी। जिस तरह नुकसान की लिस्ट बढ़ रही है ना, हमें नहीं लगता कुछ हो पाएगा। और हम और सोना तो है ना ये घर संभालने के लिए, फिर उसकी क्या जरूरत है? इतने समय से ये पूरा घर हम ही तो संभाल रहे थे। हम ना सोच रहे थे कि घर के काम काज में नीलम भाभी की मदद करना चालू कर दे। एक बात बता, ये काम में हाथ बटाने का ख्याल आया कहाँ से? मम्मी, हम तुम्हार बिटिया हैं, एक बार भी हमरे बारे में नहीं सोचा तो ना। हमें ई घर में चार चार बहुओं के साथ हमरी का दशा होने वाली है, तुमको दिक्कत नहीं ना? शुक्ला जी के घर से आज तक कामवाली की कोई शिकायत आई? नहीं आई। खरे साहब के घर पे आज तक उसने कोई दिक्कत की? नहीं की। शर्मा जी के घर में उससे सब लोग खुश हैं। खुश हैं? अपने घर में भी सब लोग खुश हो जाएंगे। आप तो कुल मिला के सोना जी को बस ऑफिस भेज दो। जो एक बार वो ऑफिस चली गई तो मम्मी जी कामवाली का ट्रीटमेंट अपने आप कर लेंगी। और देखिए, मम्मी जी के नियम कानून के अकॉर्डिंग जब तक कामवाली ठीक है ना, तब तक उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। नियम कानून सबके लिए बराबर है इस घर में। हमें मम्मी, नियम कानून बराबर होने का क्या मतलब होता है? अगर हमारी ससुराल अच्छी होती तो हम काहे मायके में पड़े होते? मम्मी, तुम हमारे साथ बचपन से ठीक नहीं कर रही हो बता रहे हैं, और अभी भी बुरा बुरा सोचती हो। अरे दर्शना, क्या अच्छा नहीं किया तुमने साथ? बचपन में ही नानी की आ भेज दी, और तब से सबके सब ताना मारते हैं कि दर्शना आबे तबे करती है। अरे जो वहां बोलते थे वही हमू बोलने लगे, भेजना ही नहीं चाहिए था। जैसे चार को पाला वैसे पांचवे को भी पाल लेती मैं। दर्शना, ये क्या बातें लेकर बैठ गई तू? तुम्हारे लिए कब की बात है मम्मी, लेकिन हमरे ऊपर तो बीत रही है। आज यहाँ जब सब मजे में है तो हमें अपनी किस्मत को लेके रोना पड़ रहा है। एक तो लफंडर बगुले के पल्ले बांध दिए, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब कमाएगा कब गवाएगा। ऊपर से वो नई बहू आ गई जिसका सोचने का तरीका ही अलग है। का पता किस दिन तुम हमको बोल दो कि ये घर से बोरिया बिस्तर समेट के निकल लो। देखो दर्शना, जो समय बीत जाता है ना वो वापस नहीं आता, ये तो हम जानते हैं बेटा, कि हमने कितने मुश्किलों से इतने बड़े परिवार को अकेले पाल पोस के बड़ा किया। तकलीफ का समय था, बीत गया, अब तो सब कुछ बदल गया है। लेकिन बेटा तुम ये कभी मत समझना कि हम तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करते। तुम यहाँ रहती हो इस घर में, दामाद जी भी यहीं रहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। काम वाली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, अब मम्मी जी क्या करेंगे? क्या बिना टिकट लगाया कुछ पोस्ट कर दिया उसे? अरे नहीं, अपनी मर्जी से छुट्टी लेने लगी है। अब अगर काम वाली अपनी मर्जी से किचन का मेकअप करने लगी तो हम लोग तो भूखे रह जाएंगे ना। क्या? देखिए, सोना और नीलम दोनों अभी मदद कर रहे हैं। कल को सोना ऑफिस चली गई तो, और नीलम ने हाउसवाइफ बनने से इनकार कर दिया तो, हम लोग की ड्यूटी तो किचन में लग जाएगी ना। देखा, इसीलिए कहता रहता हूँ, सारी चिट्ठियाँ समय पे सही जगह पोस्ट हो जानी चाहिए। सोना अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले, नीलम अपने घर का चार्ज संभाल ले। पर नहीं, मेरी कोई सुनता कहाँ है जी। अरे अब हम लोग तो कमा ही रहे ना, पर जो हाउसवाइफ है उसे हाउसवाइफ रहने दीजिए। ये बात आप जाके मम्मी जी से क्यों नहीं कहते? अरे मम्मी जी जो सोच रही है वो अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद सोच रही है, और इसीलिए बेटा होने के नाते मैं भी वही सोच रहा हूँ, और पत्नी होने के नाते तुम भी यही सोचो। हाँ, सोना का क्या है, आज नहीं तो कल उससे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए तो जाओ, अभी जाओ, और सोना को समझाओ कि उसे ऑफिस जाना चाहिए, जाओ। अरे मैं क्यों समझा कर अपना मेकअप खराब करूं? मम्मी जी समझा तो रही है, और वैसे भी मैं अपने हिस्से का एप्पल नहीं जाने दे सकती। दिन में दो टाइम की बात कीजिए मैम साहब, आने जाने का समय फिक्स है, इसमें जो जो होगा सो होगा। पर हमें ऐसा लग रहा है कि पहले हम अपना घर सवार लें, एक बार घर ठीक से संभल जाए, उसके बाद बाहर तो खुद ब खुद संभल जाता है। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, कामवाली की मनमानी बढ़ रही है, नुकसान तो अब देख ही नहीं जा रहा है, घर का सारा सिस्टम हिल गया है। और सोना बहू
उसके ऊपर तो जू नहीं रेंग रहा, ऐसा ही रहा तो मुसीबत बढ़ जाएगी। मामले को काबू में करने के लिए जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। हाउसवाइफ है सब जानती है।